सुनील के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। सुनील भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिल्ली शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी करता था। उसका काम था अलग अलग हिस्टोरिकल जगहों को एक्सप्लोर करके उन पर आर्टिकल्स लिखना। काफी बिजी रहने के बावजूद हर साल सुनील गणेश चतुर्थी पर अपने घर नागपुर जरूर जाता था। इस साल भी सुनील गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले अपने घर लौटने को तैयार था, जब उसे ऑफिस से उसके बॉस का फोन आ गया। उसके बॉस ने उससे बताया कि वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया था और सुनील को अगले 3 दिन के अंदर अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करना था। ये सुनकर सुनील बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया, क्योंकि अब वो प्रोजेक्ट की वजह से गणेश चतुर्थी अपने घर पर नहीं मना पाएगा। फिर भी सुनील ने उस सिचुएशन के साथ समझौता किया और अपने काम में लग गया। गणेश पूजा वाले दिन सुनील अपने ऑफिस से निकलने में काफी लेट हो गया था, मगर उसका बहुत मन था कि वो किसी मंदिर जाकर गणेश जी की पूजा करे। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने ऑफिस के पास वाले मंदिर ही चला जाएगा। मगर उस मंदिर में बहुत भीड़ थी और सुनील बहुत थक गया था, इसलिए उसने सोचा कि वो रास्ते में आने वाले किसी भी मंदिर पर रुक जाएगा। सुनील बहुत देर तक गाड़ी चलाता रहा, मगर उसके घर के रास्ते में कोई मंदिर नहीं आया। तभी उसने अपने पास आने वाले मंदिर इंटरनेट पर ढूंढे और उसे एक पास के मंदिर की लोकेशन मिल गई। सुनील मैप को फॉलो करता हुआ उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। वो जगह सुनील के घर से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में थी और आसपास बहुत अंधेरा था। सुनील अभी उस मंदिर की लोकेशन पर पहुंचा भी नहीं था, लेकिन दूर से ही उसको कुछ घंटियों की आवाजें आने लगी थी। जब सुनील ने गाड़ी से उतर कर देखा तो वहीं पास में उसने एक पुराना मंदिर पाया। उसने सोचा कि जिस मंदिर वो जा रहा था, हो सकता था कि वहां भी उसे बहुत भीड़ मिले, इसीलिए वो उसी पुराने मंदिर पर रुक गया और गाड़ी सड़क के साइड में पार्क करके अंदर चला गया। उस मंदिर की बिल्डिंग बहुत पुरानी और टूटी हुई सी थी। दीवारों पर काली काई लगी हुई थी और घंटी टूटकर साइड में गिरी हुई थी। सुनील जैसे ही उस मंदिर के अंदर गया, वैसे ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। जब वो और अंदर गया तो उसने देखा कि उस मंदिर में जिस भी भगवान की मूर्ति थी, उन सभी मूर्तियों का मुंह गर्दन से टूटा पड़ा था। यूं तो हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती थी, मगर उस मंदिर में उस टूटी हुई मूर्ति के सामने ढेर सारी मोमबत्तियां जल रही थीं। लेकिन उस मंदिर के दूर दूर तक सुनील के अलावा वहां कोई नहीं था। सुनील को उस मंदिर से एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। अचानक ही उस एरिया में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जबकि मौसम गर्मियों का था। सुनील ने वहां से फौरन निकलने का डिसाइड किया, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगा उसे किसी औरत की आवाज आई। कोई है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सुनील वो आवाज सुनकर बहुत सहम गया, मगर फिर भी उसे लगा कि शायद कोई औरत किसी मुसीबत में है। आवाज उस मंदिर की सबसे अंदर वाली जगह से आ रही थी। सुनील उस आवाज के पीछे अंदर जाने लगा। वो उन टूटी हुई मूर्तियों को पार करता हुआ मंदिर के और अंदर चला गया। वहां एक कमरा बना हुआ था जिसके अंदर ढेर सारी पोटलियां पड़ी थीं। सुनील के अंदर जाते ही उस कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और सुनील अंदर ही फंस गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। फिर वो दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी सुनील को अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक औरत कोने में खड़ी दीवार की तरफ मुंह किए उस दीवार को खुरच रही थी।
सुनील का दिल बुरी तरह से दहल उठा। वो बार बार गणेश जी का मंत्र बोलने लगा। तभी उस औरत ने दीवार खरोचना बंद कर दिया और वो उठकर सुनील की तरफ पलटी। उस औरत को देखकर सुनील की धड़कनें रुक गईं। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े धूल मिट्टी में लिपटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो सालों से नहाई नहीं है, और तो और उसकी आंखें पिघली हुई सी लग रही थीं, जो उसे बेहद डरावना बना रही थीं। वो औरत सुनील को देखकर फिर बोली, मेरी मदद करो। वो सुनील से कह रही थी कि बिना सर वाले देवता ने उसे कैद कर रखा है, और सिर्फ सुनील ही था जो उसे बचा सकता था। देखते ही देखते वो औरत सुनील के पास आने लगी, और अचानक से उस कमरे में एक एक करके दरवाजों से, जमीन से, छत से ढेर सारी आत्माएं बाहर आने लगी। उन सभी आत्माओं की आंखें पिघली हुई थी। जैसे जैसे वो आत्माएं सुनील के पास आ रही थीं, सुनील के मन का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। सुनील ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बस बार बार अपने गणपति बप्पा का नाम ले रहा था। सुनील को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी और उसे चक्कर आने लगे। कुछ ही पलों में सुनील बेहोश हो गया। जब कुछ समय बाद सुनील की आंख खुली तो वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी उसी अजीब मंदिर के बाहर पार्क थी। सुनील ने तुरंत ही अपनी गाड़ी भगाई और वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। अगली सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला तो वो उसी मंदिर के सामने से गुजरा। उसने वहां आसपास लोगों से जब उस मंदिर के बारे में पूछा तो उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि जिस मंदिर में वो घुस गया था, दरअसल वो एक बहुत ही पुराना शैतान का, यानी एक डेविल का मंदिर था। वहां के लोगों ने उसे बताया कि रात में उस मंदिर के आसपास भी कोई नहीं जाता। पुराने समय में माना जाता था कि लोग उस मंदिर में शैतान से जो कुछ भी मांगते थे, शैतान वो सब कुछ उन्हें देता था, लेकिन उसके बदले उस शैतान को किसी इंसान की आंखों की बलि चढ़ानी होती थी। ये बात सुनकर सुनील को समझ आ गया था कि आखिर उन सब आत्माओं की आंखें पिघली हुई क्यों थीं। हो सकता था कि जिनकी आत्माएं सुनील ने पिछली रात देखी, उन सभी लोगों को शिकार बनाकर किसी ने उनकी बलि चढ़ा दी हो। खैर जो भी था, सुनील ये सब बातें सुनकर दंग था। सुनील के साथ उस रात जो भी हुआ वो बहुत ही डरावना था, और उसे आज तक समझ नहीं आया कि वो अपनी गाड़ी तक वापस कैसे पहुंचा। वो आज भी बस यही सोचता है कि उसका उस शैतान के मंदिर से बाहर आना गणपति का एक चमत्कार था।